अब आपको हनुमान जी के कुछ सीधे साधे मंत्र श्लोक कहिए या पंक्तियां कहिए जिससे आपका सुख बढ़ता है। रोग नाश के लिए ओम नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। ओम नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका 108 बार जाप आप कर सकते हैं। संकट से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम संकट से हनुमान छुड़ावई मन क्रम वचन ध्यान जो लावई। देखिए ओम ऐसा शब्द है जो हर मंत्र के साथ लगाने से उसके मंत्र की शक्ति को बढ़ा देता है, तो हमें ये लगा देना चाहिए ओम, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रतीक है, वो तीनों ही इस प्रणव में समाहित है, इसलिए तीनों की शक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भी साथ आ जाती है, ये प्रणवाक्षर है, इसलिए ओम लगाना बहुत जरूरी है। अब डर से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी एक मंत्र देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवई महावीर जब नाम सुनावई। अब क्या कहेंगे, ओम भूत पिशाच निकट नहीं आवई महावीर जब नाम सुनावई। ओम भूत पिशाच निकट नहीं आवई महावीर जब नाम सुनावई। अब हनुमान जी कुछ विशेष मंत्र हम आपको बताते हैं, ये तो सामान्य से जैसे हनुमान 40 आदि से लिए गए हैं। पहला है, इसे हम हनुमत गायत्री कहते हैं, हनुमान जी की गायत्री है। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात तन्नो हनुमत प्रचोदयात। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात तन्नो हनुमत प्रचोदयात। अब दूसरा मंत्र देखिए, ये हमारे यहां साबरी मंत्रों में माना जाता है, इसमें आदेश गुरु का लिया जाता है, ओम आदेश गुरु का, जिसे आप गुरु मंत्र से ध्यान करिए। ओम आदेश गुरु का, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, पिंड माने शरीर। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला मेरे और मेरे परिवार के आठों याम का हनुमत रखवाला। शाबरी मंत्रों में एक अनन्य शक्ति छिपी रहती है, ऐसी मान्यता है। अगला मंत्र देखिए, हनुमान जी का विशेष, आपने बहुत बार सुना होगा, मंदिरों में गाया भी जाता है, ओम अतुलित बल धाम हेम शैलाह देहम धनुजवन कृषाण ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम मरणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। ओम अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषाण ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान वरणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। एक बार और सुन लीजिए, ओम अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषाण ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान वरणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विजय दिलाने की इच्छा बहुत सब में थी, और विशेषकर भगवान कृष्ण में।
भगवान कृष्ण ने हनुमान जी के इस द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप उससे कराया। 12 अक्षर इसमें माने जाते हैं, द्वादशाक्षरी इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि महाभारत के युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्ति की बात थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नदी के किनारे बैठाया और इस मंत्र का लगातार जाप करवाया। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि युद्ध के मैदान में पताका में विराजमान रहूं। घबराइएगा नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, देखिए, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। फिर सुनिए, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। तो ये बीज मंत्र है इसमें, इसलिए शक्ति ज्यादा मानी जाती है। बीज मंत्रों में एकदम से शक्ति का प्रभाव आ जाता है। हनुमान जी एक सामान्य सा मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है, इसी तरह हनुमान जी का एक छोटा मंत्र जो हर एक बड़े आसानी से कर सकता है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। प्रसन्न होने में तो ईश्वर की आपकी आस्था है, आपका ध्यान है। आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी अगर केंद्रित करके ध्यान बैठ जाएं तो संभवतः 1 घंटे 4 घंटे से ज्यादा लाभकारी है। तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट द्वादशाक्षरी मंत्र है। ओम हनुमते नमः, ये छोटा सा मंत्र। एक और मंत्र हम व्याख्या करते हैं, ओम ह्रीम ओम मर्कटेश महोत्साह है सर्वव्याधि विनाशन है शत्रुन संघर है माम रक्ष श्रियम दापे देहि में ओम ह्रीम ओम। देखिए इसमें क्या है, हमने ह्रीम का तो शब्द का उच्चारण किया ही, ये लेकिन हम ये मानते हैं कि इसके साथ साथ हमने ये कहा है, हमारे शत्रुओं का विनाश करो, व्याधियों का विनाश करो, हमारी रक्षा करो, हे भगवान बजरंगबली मर्कटेश महोत्साह, मर्कट के ईश्वर आप बहुत अच्छा उत्साह देने वाले हैं और सर्व व्याधियों का नाश करने वाले हैं, मेरे शत्रुओं का संहार करो। शत्रु कोई भी हो सकते हैं, मनुष्य भी, आपके रोग भी, आपकी दुर्भावनाएं भी, आपके गंदे आचार भी, आपकी गंदी भावनाएं भी, आपके गंदे कर्म भी, ये सारे शत्रु तो हैं जीवन में।